बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मेनली फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेनली जो इसमें है, स्टैंडर्ड 10 में हम लोग को स्टडी करना है, वो फ्लो ऑफ चार्ज के ही बारे में पढ़ना है। देन आफ्टर तो आगे भी और भी है कि अब चार्ज क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में एक स्टडी कर ले। तो जो चार्ज है, ये आप भी जानते हो कि टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो चार्ज में भी कितने प्रकार के आ रहे हैं, तो दो प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव के मेनली प्लस करते हैं हम लोग इंडिकेट, और निगेटिव को क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव चार्ज इंडिकेटेड बाय माइनस। अब यहां पर आ रहा है कि अब दोनों जो है फ्लो ऑफ चार्ज, जब तक वो चार्ज जो फ्लो करता है तो एक अट्रैक्शन के फलस्वरूप होता है। जब अट्रैक्शन होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अब इसका एक प्रॉपर्टी रहता है, अब इसके जो है तो प्रॉपर्टी है कि किसी भी पार्टिकल में ये पार्टिकल नहीं चार्ज है, नॉट अ पार्टिकल, चार्ज की जो प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी जो क्या होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे इसको, इस तरह की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यू नो दैट अपोजिट चार्ज मींस अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी चार्ज का प्रॉपर्टी है, फिगर में बोलना चाह रहा हूं, चार्ज इन वॉटर पार्टिकल, दैट इज प्रॉपर्टी, जो किसी भी पार्टिकल में प्रेजेंट रहता है, आइदर स्टैटिक और इन मोशन, या तो स्टैटिक रूप में होता है और मोशन के रूप में होता है, जो हम लोग अभी इसको नेक्स्ट में इसका टॉपिक जो आता है उसमें डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी जब आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो 10 स्टैंडर्ड है उसमें मेरे को स्टडी क्या करना है, फर्स्ट आ गया चार्ज हो गया, चार्ज के बारे में करेंगे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में करेंगे, है ना, ओम्स लॉ में ही आपका जितना भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो टोटल आ जाएगा। तो एट फर्स्ट हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे, चार्ज है क्या, तो अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, कहने का मतलब कि ये एक पॉजिटिव है और एक क्या हो गया निगेटिव, अपोजिट चार्ज हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक दूसरे को ये क्या करेगा, ऐसे ये अट्रैक्शन कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर हम ऐसे भी कर सकते ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट चार्जेज अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है वो है लाइक चार्जेज रिपेल
दूसरी प्रॉपर्टी आ गया कि जो लाइफ चार्ज है वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेयर करता है। मींस एक एग्जांपल आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ए भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। या फिर अगर ये निगेटिव चार्ज हो गया और ये भी क्या हो गया, आपका निगेटिव चार्ज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो रिपेयर। ये क्लियर हो गया आपका। तो ये दैट इज चार्ज। अब ये चार्ज आ गया। अब जब चार्ज की जहां तक मैं बात करता हूं, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी, अब ये जो आ गया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आ गया था, तो इसको हम लोग अब दो पार्टों में इसको क्या कर रहे हैं, दो तरफ से इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज आ गया। चार्ज क्या होता है उसके बाद इसको हम लोग करेंगे कि हाँ कितना चार्ज है, क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, कितना चार्ज रहेगा, नेगेटिव है तो कितना होगा और क्या है। तो अब जो आता है इलेक्ट्रिसिटी के दो होते हैं, एक को बोला जाता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो हम लोग डायनामिक पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं इसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग एवरीडे आप यूज करते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। देखिए इसको कुछ मत करिए, इसमें करंट है और करंट मींस ही होता है मोशन। ये करंट का मतलब जो हम लोग बोला जाता है मोशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी दो हो गए। इलेक्ट्रिसिटी कितने हो गए, तो दो प्रकार के हो गए, एक हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब आता ही है रेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, स्टैटिक का मतलब तो रेस्ट, मतलब द इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट इन बिसाइड्स द एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पोजीशन है तो दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो इन अ मोशन कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है, तो उस स्थिति में क्या बोला जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं हम लोग। अब ये भी बता जाऊंगा कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टैंडर्ड 10 में मेनली हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पूरे प्रॉपर्टी देखना है। और ये क्या हो गया स्टैटिक, स्टैटिक में रेस्ट है और रेस्ट किस में होता है, तो मेनली जो है वो नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन छोड़कर, और करंट क्या होता है आपका तो मेटल्स में। अब ये मेटल में केवल ही नहीं है, ये मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ कंडक्टर। अब जैसे मान लिया कि ये स्टैटिक है, चलो थोड़ा सा स्टैटिक ये मेटल आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक भी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अच्छा गैस भी करता है, बोलोगे कि सर गैस कब करता है, तो गैस जो है आप जब केमिस्ट्री में आ जाओगे तो डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि वो करंट पोजीशन में होता है। क्लियर है, यानी मेटल कंडक्ट आपका कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हो गया, इलेक्ट्रो वाटर में अगर मान लिया हम एसिड मिक्स कर रहे हैं, है ना, सॉल्ट मिक्स कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस आ जाता है। H2SO4 HCl मिला देते हैं, HCl मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, मैंने इलेक्ट्रिक पास थ्रू इन क्या बोल रहे हैं आपका, NaCl mix, H2SO4 mix in water that conduct electricity, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट करता है, है ना। ऐसे भी कंडक्ट करता है, बोलते सब शॉक लगता है, गीला हाथ से छूते हैं या मान लिया गीला, वो शॉक लगता है, मोटर करंट ने कंप्लीटली कंटिन्यूसली फ्लो करता, कंटिन्यूसली नहीं करता, वो रेसिस्टेंस करता है। तो ये क्या हो गया नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या हो गया, अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है,
तो स्टैटिक की जहां तक बात करेंगे, व्हाट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो स्टैटिक क्या हो गया, द चार्ज विच रिसाइड्स, हम क्या लिखेंगे, द चार्ज विच रिसाइड्स ऑन द सब्सटेंस, ऑन द सब्सटेंस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक कहते हैं कि जब उस समय क्या होगा, रेस्ट में है सभी में, आपका इलेक्ट्रिसिटी सब में है, आपका नंद मेटल में चार्जेज है, इसमें भी चार्जेज है, और यहां पर हम लोग क्या करें, चार्ज फ्लो करना, अगर इसमें भी चार्ज फ्लो कर जाएगा और इसमें भी कर जाएगा तो दोनों में करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन इसमें नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आ रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो द चार्ज विच फ्लो थ्रू द सब्सटेंस, अब जिससे क्या कर रहा है आपका, अब ये जो चार्ज जो है उस सब्सटेंस से क्या होता है आपका, फ्लो करने लगता है, तो करंट हो गया, यानी मोशन में आ गया, ये क्या हो गया आपका स्टैटिक। मान लिया कि हम लोग करंट में आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट में क्या हो गया, द चार्ज विच फ्लो, मैंने क्या कह रहा है, फ्लो और इन मोशन, या क्या हो गया, वो मोशन में है, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक क्या हो गया स्टैटिक। तो ये नॉन मेटल में, ये मेटल्स बता दिए, मेटल में करता है, जैसे मेटल में आपको क्या होता है, आप जान रहे हो, कॉपर है, अल्मोनियम है, ज्यादा यूज करते हैं, आयरन भी है, चलो रेसिस्टेंस देता है, आयरन भी रिमूव कर रहा है, सिल्वर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस हो गया, जैसे वाटर मिक्स किया हुआ है, H2SO4 है, NaCl है, गैस, गैस में सभी जगह नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड आपको NaDOH बढ़ेगा तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडीशन में फ्लो करता है, तो दैट इज क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है, उधर की तीन हो गया, ये तीनों आ गया, तो ये हो गया स्टैटिक और ये क्या हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक का एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है जो आप जानते हो, आप लगा है मेरे को 6 या 7 स्टैंडर्ड से ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देते हो, बच्चे लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक कप ले लेते हैं या प्लास्टिक पेन ले लेते हैं, ये प्लास्टिक पिन ले लिए बच्चे लोग, और ये क्या किया जाता है, रब कर लेते हैं, अपने हेयर में रबिंग करते हैं, है ना। तो जब रब करते हैं और रब करने के बाद यहाँ पर 100 पेपर, ये 100 पेपर ले रहा है, यहाँ ये कुछ कागज के टुकड़े ले रहा है, और जब यहाँ पर लाते थे एक दूसरे को दोनों क्या नाम मिलता है, अट्रैक्शन मिलता है, इसका मतलब है क्या, अट्रैक्शन, दोनों में चार्ज है, कुछ इसमें भी चार्ज है, कुछ इसमें भी चार्ज है, अब चार्ज है तो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसमें है तो इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव, या पॉजिटिव है और इस क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने और निगेटिव को अट्रैक्शन करेगा, नो का पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो इधर आ गया, इसका ये पॉजिटिव इसका यहाँ पहुंच गया और ये निगेटिव को क्या कर दिया, यहाँ पर अट्रैक्ट कर दिया, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो यानी इसका मतलब है कि चार्ज इसमें है और किस पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में, अभी रेस्ट में ही रहता है। आप बोलो कि सर क्यों नहीं इसी को यूज कर दिया जाए, प्लास्टिक को ही यूज कर देते करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्यों नहीं मूव करता है इसमें चार्ज, अभी है तो ये क्या हो गया स्टैटिक आ गया, और करंट को मैं जानता हूं कि करंट में क्या कर रहा है, अब सब कुछ करो, चलो आ जाओ करंट में, मान लिया कि मैंने वो ले लिया, अब यहां पर ये आ गया एक वायर, यहां आ गया आपका ये वायर है, सपोज करो मैं ये भी वायर को ले लेता हूँ, अब ये भी वायर आ जाएगा, अब दोनों में चार्जेस है, अब अभी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चल रहे हैं, चार्ज कैसे होंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर,
कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या है, इसमें कि दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस बीच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इज कॉल्ड, दो सब्सटेंस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। इसको क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास कर जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। एंड द सब्सटेंस और इसमें से क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास नहीं करता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, इंसुलेटर। अब क्या आ गया, इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में क्या पढ़ेंगे, दो सब्सटेंस, सब्सटेंसेस बीच डोंट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। ये क्या हो गया, इंसुलेटर। अब देखिए यहां पर है कि कंडक्टर में क्यों पास कर दिया, इंसुलेटर में क्यों नहीं पास किया। तो आप ये जान रहे हो कि अब क्या होता है कि जब भी क्या हो गया, अभी चार्ज के बारे में पढ़े कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चलिए हम लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पास इन वाटर, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो सपोज करिए मान लीजिए यहां पर है, ये आ गया है ना। अब यहां पर क्या हो जाता है, अगर हम ये वाटर पूरा है, यहां एनए डाल दिया, एनए से आपको पता है कि क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इससे क्या कौन सा आयन बनता है, नेगेटिव बन जाता है। अब दो अगर सपोज करो कि यहां पर से हम लोग ये ऐसे आता है, ये क्या आ गया, ये पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, ये नेगेटिव बन गया आपका, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन लगा दिया जाता है। तो इससे ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, तो कटायन हो गया, और ये क्या हो गया, इनायन हो गया, तो ये दो चार्जेस बन गया। तो ये जो पॉजिटिव है वो किधर जाएगा, अट्रैक्शन होगा, तो निश्चित है कि ये किधर हो जाएगा आपका, तो दो जो इलेक्ट्रॉन लग रहा है ये कैथोड की होगा, और जो एनायन है ये है, तो ये कहां चला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यह लगा हुआ है वो किधर चला जाएगा, तो एनोड की ओर अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब इसमें चार्जेज जब क्या हो गया, रिएक्शन हुआ, तो एक और भी पढ़ रहे कि एक एनए है, एक सीएल है, अब दोनों में क्या होगा, तब ये पॉजिटिव और निगेटिव है, पॉजिटिव कैथोड की ओर चल गया, निगेटिव कहां चल गया, एनोड की ओर, अपोजिट चार्जेस में आपका अट्रैक्शन हुआ। तो जब अपोजिट में ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये जब है और ये माइनस माइनस है, तब क्या हो गया, ये दोनों में एक दूसरे से क्या हो रहा है आपका, अट्रैक्शन हो रहा है, तो चार्ज क्या कर जाता है आपका, फ्लो करता है। चार्ज किस कंडीशन में फ्लो करता है, किस कंडीशन में नहीं फ्लो करता है। दो सब्सटेंस व्हिच हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी में क्या करता है, उस सब्सटेंस से जो चार्ज है फ्लो करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जो मेनली क्या हो गया आपका, मेटल्स हो गया। चलिए अब मेटल और कैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, सो आप कर लो, तो इसके लिए आप आगे एटम्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े, तो नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़े हैं, उसके बारे में आते हैं। तो
तो आप जानते हो सब कुछ करोगे। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ये जो आते हैं सेल में, मान लिया यहाँ पर मेटल आपका रखा हुआ है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और जितने प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है, ये एक मजबूती से अब इलेक्ट्रॉन से ये क्या कर रहा है, फ्री मूव कर रहा है। सपोज करो ये मेटल है, अब ये क्या हो गया है आपका, अब इसमें मूव कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको इतने लार्ज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके कारण लूज नहीं पैक, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करता है, पैक बांध करता है टाइटली। अब ये क्या हो गया, लूज भी है आपका, और जब लूज है और जैसे ही इसमें अट्रैक्शन होता है, रिएक्शन होता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो एक एटम से दूसरे एटम में क्या करता है, पर दूसरे से एटम में वो फ्लो करना चाहता है, यहां से वहां की ओर जाना चाहता है। और ये अगर नॉन मेटल की बात करें, ये जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, देखिए इस तरह से बाइंड आपका है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो यहां शक्ति यहां है आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है टाइटली आपका क्या है, कंबाइन, और जो टाइटली कंबाइन के कारण इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करने नहीं पाता, और जब मूव नहीं करता तो क्या हो जाता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता, देन ये इंसुलेटर शो कर देता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है तो करंट कैसे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है मेन, और वो मूव कर रहा है मतलब क्या हो गया, चार्ज मूव किया, और चार्ज मूव किया तो वन एटम सब्सटेंस से क्या चल गया, एटम ऑफ अदर सब्सटेंस से दूसरे जगह चला गया, देन इलेक्ट्रिसिटी मूव कर गया है आपका। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसमें मूव कर रहा है, ये क्या है, कितना लार्ज इसका बना हुआ है, इसका कितना छोटा बना हुआ है, इसलिए ये लूजली पैक है, ये क्या है आपका टाइटली पैक है। ऐसे भी जान लो मेटल क्या होता है, मेटल के आउटर ऑर्बिट है जो 1-2-3 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है टेंडेंसी टू, केमिस्ट्री की भाषा में अगर आ जाए तो मेटल है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, एंड नॉन मेटल है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है गेन करता है, ये बांध के रखना चाहता है, देना नहीं चाहता, ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, यानी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो है तो यहां से वहां वन एटम से क्या कर रहा है, वन एटम ऑफ सब्सटेंस देन अनदर एटम ऑफ सब्सटेंस मूव कर रहा है, और दिस कंडीशन में करंट क्या होता है मूव कर रहा है, क्लियर है। अब इसी में हम लोग आ जा रहे हैं कि चलिए चार्ज जो गया तो चार्ज क्या है, अभी जो चार्ज हो गया तो ये जो चार्ज आता है वो क्या है, या तो वन यूनिट पॉजिटिव जाएगा है ना, या तो पॉजिटिव गया या तो नेगेटिव गया। चार्ज के बारे में जो हम लोग पूरा पढ़ लिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ चार्ज लिख लेंगे आपका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को इंडिकेट कैसे करते हैं, क्यू से, इसका क्या होता है कूलम, कूलम जिसको डेरिवेटिव क्या करते हैं सी से, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम जिसको हम लोग डेरिवेटिव क्या कर देते हैं सी से। अब कितना यूनिट जा रहा है चार्ज, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव या तो पॉजिटिव और निगेटिव है, तो उसमें क्या होता है इसका 1.6 × 10⁻¹⁹ और इसी के मल्टीपल में सपोज करो कि एक गया इसमें एक इलेक्ट्रॉन किया तो 1.6 गया, अगर मान लिया 2 गया है, सपोज करें कि 2 हुई इसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, तो 2 × क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ बस ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन इतना मूव कर रहा है 1.6 से आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इतना इलेक्ट्रॉन मूव करता है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब वहां हम लोग आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी, द रेट ऑफ चार्ज हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, द रेट ऑफ चार्ज ऑफ है ना फ्लो, अब क्या कर रहा है वो फ्लो करता है, रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो इसका होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी।